जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते जनता की आवाज़। गुरुग्राम में बादशाहपुर विधानसभा जो कि पूरे जा रही है और सबसे ज़्यादा वोटर्स यहां पर इस समय मौजूद हैं। दरअसल 5,19,000 रजिस्टर्ड वोटर के कारण से बादशाहपुर विधानसभा सीट सबसे ज़्यादा हॉट मानी जा रही है और यहां मुकाबला भी काफ़ी ज़ोरदार है। इस समय बीरू सरपंच जो कि सरपंच रह चुके गाँव बजगेड़ा के, वर्ष 2000 में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। पूरे हरियाणा में उनकी नाम था, उनके चर्चे थे चारों तरफ, क्योंकि कहा जा रहा था कि आज़ादी के बाद से लेकर के 2000 वर्ष तक कोई भी व्यक्ति निर्विरोध सरपंच नहीं चुना गया था, जबकि भाई बीर सिंह बीरू सरपंच जो है निर्विरोध चुने गए थे। उनकी उपलब्धि के कारण से ही जनता का पार स्नेह और प्यार उन्हें मिल रहा है। देखो, समस्याएं तो बहुत सारी है, लेकिन समर्थन और प्यार तो लोगों का भरपूर मिल रहा है। और अब की बार लोगों ने मन बना लिया आके की ईमानदार सरकार बनाएंगे। जो जनता के जो टैक्स दिए हुए हैं, जो जनता को वापस लौटा दे, वो ईमानदार सरकार होती है। और उसके अंदर केजरीवाल जी सबसे आगे हैं। जैसे दिल्ली के अंदर बिजली फ्री, पानी फ्री, ट्रक बस फ्री, यात्रा फ्री, राशन फ्री, ये सारी चीजें जो जनता को लौटाने का जो काम कर रहे टैक्स के रूप में, हरियाणा के अंदर जो 5 गारंटी केजरीवाल जी ने दी है, जिसके अंदर बिजली 24 घंटे फ्री है, हॉस्पिटल अच्छे बना के देंगे जिसके अंदर इलाज फ्री होगा, स्कूल बढ़िया बना के देंगे, हजार हजार रुपए जो 18 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनको जो पैसे देने का काम करेंगे, तो ये सारा जो जनता का दिया जो टैक्स है वो ये इनको वापस। 20 साल से लगातार आप लोगों के बीच है, क्या लगता है 20 साल का वनवास इस बार कट जाए? 20 साल का वनवास कट जाए अभी पूछ भी रहा था लोगों से, मगर जी मेरे साथ जितने आप लोगों ने खड़े कैंडिडेट थे सारे बना दिए। इब की बार हमारा नंबर है तो सबने आशीर्वाद दिया, इब की बार तो आपको जीत आगे भेजेंगे विधानसभा, चिंता ही ना।